नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवंबर महीने में शेयर मार्केट, ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में क्या हो सकता है। राहु और केतु ने जो है राशि परिवर्तन किया है, उसके भी बारे में हम कुछ बातें करेंगे। तो दोस्तों पहले मैंने जो वीडियो दिया था लास्ट वीक 23 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर, वहां पे मैंने शेयर मार्केट का ट्रेंड, ओवरऑल का ट्रेंड जो है वो बेयरिश का दिया था, जो कि मार्केट जो है जबरदस्त जो है बेयरिश रहा। गोल्ड सिल्वर में मैंने आप सभी को ओवरऑल के ट्रेंड में बुलिश दिया था और कहा था कि 27th को प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, तो ओवरऑल के ट्रेंड में वो भी बुलिश रहा। मंथली की बात करें दोस्तों कि मंथली में मैंने क्या क्या दिया था, इसलिए दोस्तों हम मंथली के साथ में इस समय जो है वीकली भी आप सभी को देते हैं, जिससे आप सबको अच्छा प्रॉफिट हो सके। लास्ट वीक निफ्टी जबरदस्त बेयरिश रहा और आपको जबरदस्त फायदा हुआ। ओवरऑल के ट्रेंड में दोस्तों हम अक्टूबर की बात करें, जो मेरा मंथली व्यू है, अक्टूबर में मैंने क्रिप्टो करेंसी का व्यू जो है ओवरऑल के ट्रेंड में मैंने बुलिश का दिया था। क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल के ट्रेंड में बुलिश रहा। गोल्ड मैंने जो है ओवरऑल के ट्रेंड में बुलिश दिया था, तो गोल्ड जो है अक्टूबर महीने में ओवरऑल के ट्रेंड में जबरदस्त बुलिश रहा। सिल्वर ओवरऑल के ट्रेंड में मैंने बुलिश दिया था, तो सिल्वर भी अच्छा खासा बुलिश रहा। क्रूड ऑयल का ट्रेंड जो है मैंने कुछ बुलिश का दिया था, ओवरऑल के ट्रेंड में वो बेयरिश गया, यानी प्रेडिक्शन फेल हुआ। नेचुरल गैस का ट्रेंड मैंने ओवरऑल के ट्रेंड में बुलिश दिया था, जो कि नेचुरल गैस ओवरऑल के ट्रेंड में जबरदस्त बुलिश रहा। प्लेटिनम मैंने दिया था कमोडिटी में, हेवी कमोडिटी है ये, प्लेटिनम मैंने दिया था ओवरऑल के ट्रेंड में बेयरिश दिया था, जो कि प्लेटिनम ओवरऑल के ट्रेंड में बुलिश हुआ, जो कि प्रेडिक्शन फेल हुआ। पैलेडियम जो है ओवरऑल के ट्रेंड में बेयरिश दिया था, जो कि ओवरऑल के ट्रेंड में जबरदस्त बेयरिश रहा। एल्युमिनियम मैंने ओवरऑल के ट्रेंड में बेयरिश दिया था, एल्युमिनियम ओवरऑल के ट्रेंड में अच्छा खासा बेयरिश रहा। जिंक मैंने ओवरऑल के ट्रेंड में बेयरिश दिया था, जिंक भी ओवरऑल के ट्रेंड में जबरदस्त बेयरिश रहा। निकल मैंने ओवरऑल के ट्रेंड में बेयरिश दिया था, जो कि निकल जो है ओवरऑल के ट्रेंड में जो है बेयरिश रहा। लेड मैंने ओवरऑल के ट्रेंड में मैंने बेयरिश दिया था, लेड भी मंथली में ओवरऑल के ट्रेंड में बेयरिश रहा, जो कि आप सबको जबरदस्त फायदा हुआ होगा। इंडियन मार्केट ओवरऑल के ट्रेंड में मैंने कुछ बुलिश दिया था, इंडियन मार्केट ओवरऑल के ट्रेंड में बेयरिश रहा जो है, क्योंकि दोस्तों लास्ट वीक निफ्टी में जो है अच्छी मंदी आई, जो कि मैंने जबरदस्त जो है आपको दिया था कि लास्ट वीक मार्केट बेयरिश रहेगा, तो वीकली में जो है 100% निफ्टी का प्रेडिक्शन सही गया, मंथली में जो है निफ्टी का प्रेडिक्शन सही नहीं गया। यूएसए मार्केट ओवरऑल के ट्रेंड में मैंने कुछ पॉजिटिव दिया था, तो यूएसए मार्केट जो है ओवरऑल के ट्रेंड में थोड़ा ही जो है बेयरिश रहा, जो कि ये भी प्रेडिक्शन मंथली में देखें तो बहुत ठीक नहीं रहा।
तो ये रहा दोस्तों ओवरऑल का मंथली व्यू, ओवरऑल का वीकली व्यू। सक्सेस रेशियो कितना है वो कहने की जरूरत नहीं है, ना तो मैं अपनी जो है खुद प्रशंसा करता हूँ कि मेरा जो है सक्सेस रेशियो 90% है, 100% है। मेरे जैसा दुनिया में कोई जानकार नहीं है, ऐसी सब बातें मैं कभी भी नहीं करता हूँ जैसा कि कुछ लोग करते हैं। दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम अभी सीख रहे हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आने से जो है प्रिडिक्शन जो है वो गलत हो जाएगा, चाहे वो शेयर मार्केट का ज्योतिष से भी हो, चाहे टेक्निकल वाले बताएं, चाहे ज्ञान वाले बताएं। कभी भी जो है अपने ऊपर 100% का जो है आपको प्रिडिक्शन का दावा नहीं करना चाहिए। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में कोई जानकार नहीं है, ऐसी सब बातें करना मूर्खतापूर्ण बात होती है। दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको इतना अच्छा नॉलेज है, उनके सामने हम लोग अभी 2-5% ही हैं। तो दुनिया की बात कभी भी नहीं करना चाहिए, अपनी बात करना चाहिए। और दोस्तों हम अभी सीख रहे हैं, 15-18 साल से सीख रहे हैं। सक्सेस रेशियो कितना है ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ज्योतिष में यूट्यूब में आज भी सबसे बड़ा चैनल मेरा बना हुआ है। ये सब दोस्तों आप सबके आशीर्वाद से बना हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में। पहले तो दोस्तों आपको अष्टो टेक्निकल को जो है ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो दे नहीं पाता हूँ। मैं अपने मेंबर को अष्टो टेक्निकल रेगुलर देता रहता हूँ, लेकिन जो एक मेजर अष्टो टेक्निकल बना हुआ है जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था 20 अक्टूबर 2023 को फ्राइडे था, उस दिन जो है अष्टो टेक्निकल जो है बना हुआ है, जो कि वो अष्टो टेक्निकल आपको वो अभी भी वैलिड है। यानी आगे के मार्केट के लिए आपको अष्टो टेक्निकल को फॉलो करना है। यानी 20 अक्टूबर के लो के नीचे मार्केट में मंदी रहेगी, 20 अक्टूबर को हाई के ऊपर मार्केट में एक तेजी आ जाएगी, लो के ऊपर भी चलने लगे तो रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये रहा दोस्तों जो है अष्टो टेक्निकल जो है। अब दोस्तों हम बात करें तो नेक्स्ट मंथ यानी ये जो महीना आज से शुरू हुआ है, ओवरऑल की ट्रेंड में हम बात करें तो क्या हो सकता है। ओवरऑल की ट्रेंड में दोस्तों हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की पहले मैं बात करूंगा। क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों जो है मंथली में जो है 150 डिग्री जो है ये बना हुआ है, जो कि ये 150 डिग्री जो है वोलेटाइल टू बोथ साइड टू रिकवरी बनती है। यानी कि आने वाला महीना जो है नवंबर महीना क्रिप्टो करेंसी जो है वोलेटाइल टू बोथ साइड टू कुछ रिकवरी लगती है, यानी कि कोई ज्यादा मंदी का योग नहीं बनता है, लेकिन नवंबर महीना जो है कोई बड़ी तेजी का भी योग नहीं बनता है। तो ये रहा दोस्तों जो है क्रिप्टो करेंसी का व्यू। गोल्ड और सिल्वर की बात करें दोस्तों तो गोल्ड और सिल्वर में ओवरऑल के ट्रेंड में ऐसा मैं बात करूं तो शुरू के जो है 15 दिन जो है मार्केट जो है कुछ मंदा में रह सकता है गोल्ड और सिल्वर, और आगे का जो है 15 दिन कुछ रिकवर जो है वो हो सकता है। बाकी ओवरऑल के ट्रेंड में हम बात करें तो ओवरऑल के ट्रेंड में नवंबर महीने में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड जो है मुझे कुछ बेयरिश का जो है वो लगता है। अष्टो टेक्निकल को आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों तो क्रूड ऑयल जो है दोस्तों ओवरऑल के ट्रेंड में कोई बड़ी तेजी का योग मुझे जो है नवंबर महीने में नहीं लगता है। यानी कि क्रूड ऑयल नवंबर महीने में कोई बहुत बड़ी तेजी दे दे ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब हम बात करें दोस्तों
नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस दोस्तों जो है ओवरऑल के ट्रेंड में बात करें तो वोलेटाइल टू बोथ साइड टू रेंज बाउंड जो है नेचुरल गैस नवंबर महीने में रह सकता है। वोलेटाइल टू बोथ साइड टू रेंज बाउंड नेचुरल गैस जो है वो रह सकता है दोस्तों। दूसरी दोस्तों हम बात करें जो है जो हेवी कमोडिटी है प्लेटिनम की बात करें, पैलेडियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें, निकल की बात करें, लेड की बात करें, ये जितने भी दोस्तों हेवी कमोडिटी है जो है यानी प्लेटिनम, पैलेडियम, एल्युमिनियम, जिंक, निकल, लेड और कॉपर, ये दोस्तों ओवरऑल के ट्रेंड में हम बात करें तो यहाँ दोस्तों जो है कुछ न कुछ जो है वो प्रेशर जो है वो रह सकता है जो है यानी कुछ जो है मंदा जो है वो रह सकता है ओवरऑल के ट्रेंड में। जैसा कि ओवरऑल के ट्रेंड में मैंने आप सभी को जो है आप सभी को ओवरऑल के ट्रेंड में अक्टूबर महीने में जो है हेवी कमोडिटी जो ग्लोबल मार्केट में जो है बड़े ट्रेड में है बेयरिश का ट्रेंड रहता है तो अक्टूबर में भी जो है प्रेडिक्शन जो है दोस्तों बहुत सही गया। नवंबर में भी दोस्तों जितने भी ये हेवी कमोडिटी हैं इसमें कुछ प्रेशर बना रह सकता है जो है यानी कुछ जो है मंदी का योग इसमें जो है वो दिख रहा है। अब दोस्तों हम शेयर मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट का ट्रेंड दोस्तों ओवरऑल के ट्रेंड में कुछ जो है बेयरिश लग रहा है कि ओवरऑल के ट्रेंड में निफ्टी में शेयर मार्केट में जो है प्रेशर जो है कुछ बना रह सकता है। निफ्टी हो वो बैंक निफ्टी हो कुछ प्रेशर जो है वो बना रह सकता है। यूएसए मार्केट की बात करें दोस्तों तो यूएसए मार्केट में जो है यानी डाउ जोन्स S&P और नेस्डेक की बात करें तो ओवरऑल के ट्रेंड में जो है कुछ प्रेशर जो है बना रह सकता है यानी कुछ बेयरिश जो है मार्केट रह सकता है बेयरिश में रह सकता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल की ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं कि ओवरऑल के ट्रेंड में ऐसा हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों जो है मंथली में जो है नवंबर महीने में जो है क्रिप्टो करेंसी हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया और दोस्तों इंडियन मार्केट हो गया, यूएसए मार्केट हो गया यानी ओवरऑल पूरी फाइनेंशियल ज्योतिष को मैंने नवंबर महीने में कवर किया हुआ है। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो है लेकिन जितना भी दोस्तों मैंने आपको ये दिया है इसमें आपको मंथली में जो है अस्ट्रो टेक्निकल को जरूर आपको यूज करना है। इस अस्ट्रो टेक्निकल को जो है आपको 20 अक्टूबर का हाई और लो आपको जरूर ध्यान में रख के ट्रेड करना है। जहां भी मैंने बेयरिश का भी व्यू दिया हुआ है वहां भी यदि वो 20 अक्टूबर के हाई के ऊपर चलने लगे तो समझिए कि वहां पे तेजी आ जाएगी, वापस यदि वो लो के नीचे चलने लगे तो मंदी आ जाएगी। यानी आपको एक ही SL स्टॉप लॉस को यूज करना है 20 अक्टूबर डे फ्राइडे उसका जो है हाई और लो। उसमें दोस्तों आपको इंडियन मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी मार्केट वो आप सब में जो है यूज कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो है कि दोस्तों ये अभी जो है राहु और केतु ने जो है राशि परिवर्तन किया 30 अक्टूबर जो है 2023 को राहु जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं और रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और केतु देव जो है दोस्तों वो कन्या राशि में पहुंच गए हैं जो कि वो चित्रा नक्षत्र में ही हैं। और दोस्तों ये राहु और केतु जो है रहेंगे 18 मई 2025 तक राहु जो है कुंभ राशि में और केतु देव जो है वो कन्या राशि में जो है रहेंगे। 18 मई को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे राहु और केतु जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई तक राहु और केतु जो है दोस्तों ये जो है मीन राशि और कन्या राशि में रहेंगे। ओवरऑल की बात करें दोस्तों कि ग्लोबल में क्या हो सकता है तो राहु का जो है वो मीन राशि में प्रवेश जो है ये ऑल ओवर ग्लोबल के लिए जो है
बहुत शुभ संकेत नहीं है। ओवरऑल में बात करें तो आने वाले समय में जो है नेचुरल कैलेमिटी जो है वो बढ़ने का जो है योग बनता है, जल प्रलय का योग जो है वो बनता है जो है, और जो है अपना नॉर्थ साइड में जो है, नॉर्थ में जो है नॉर्थ और ईस्ट, इसमें नॉर्थ में जो है दोस्तों कुछ बड़ी प्रॉब्लम जो है आ सकती है, नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, बाढ़ आ सकता है, युद्ध दोस्तों दो दो जगह जो है चल रहा है जो कि वो भी एक प्रॉब्लम वाला है। अपने लिए जो है राहु केतु जो है क्या करेंगे, अपने भारत के लिए क्या करेंगे, तो भारत के लिए राहु का जो है मीन राशि में प्रवेश बहुत ही शुभ है। भारत के लिए मीन राशि में राहु का प्रवेश जो है बहुत ही शुभ है दोस्तों जो है, यानी कि FII की बात करें जो है, तो यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर अपने इंडियन मार्केट की तरफ आने वाले 1.5 साल में और भी अट्रैक्ट होंगे, यानी आने वाले 1.5 साल में माने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है भारत में और भी आएगा जो है, और अपना जो है भारत में जो है बाकी के देशों के साथ अपना जो है प्रभाव और भी तेजी से बढ़ेगा, यानी ग्लोबल में जो है भारत का प्रभाव बहुत तेजी से जो है वो बढ़ेगा आने वाले 1.5 साल में जो है। फाइनेंशियल की बात करें तो भारत की पोजीशन ओवरऑल बढ़िया रहेगी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भारत में जो है वो अच्छा जो है आने का योग जो है वो बनता है जो है, जो कि राहु और केतु ओवरऑल भारत के लिए एक शुभ संकेत बनता है। तो दोस्तों जो है ओवरऑल ग्लोबल की जैसा मैंने बताया कि कहीं कहीं जो है तकलीफ हो सकती है, शेयर मार्केट की बात बताया तो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। इसका दोस्तों बताने का मतलब ये नहीं है कि पूरा 1.5 साल मार्केट में तेजी रहेगी। ये दोस्तों मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर राहु केतु के परिवर्तन से भारत के लिए वो पॉजिटिव बनेंगे, वो जो कि वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाकी के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो अपना जो है फैक्ट्री जो है वो अपना जो है जहाँ भी दूसरे देश में उनका अब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है वो इंडिया में जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, यानी अपने इंडियन मार्केट की जो है भारत की जो है ग्रोथ बढ़ेगी, जॉब जो है वो बढ़ेगा जो है, यानी भारत के लिए जो है काफ़ी शुभ संकेत राहु केतु के बदलने से बहुत ही शुभ संकेत दिख रहा है। कहीं कहीं दोस्तों ऑल ओवर ग्लोबल की बात करें तो राहु के सेक्टर में जो है कहीं कहीं जो है राहु के सेक्टर और राहु के शेयर में जो है कहीं कहीं ग्लोबल में जो है वो टॉप आउट हो सकता है जो है, यानी टॉप आउट का मतलब है कि कहीं जो है मार्केट में जो है तेजी रुक सकती है जो है, ऑल ओवर ग्लोबल की मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं कहीं तेजी रुक सकती है। केतु के सेक्टर में जो है दोस्तों एक अच्छी तेजी का योग जो है बनता है। भारत में दोस्तों जो है जैसा बताया कि राहु केतु के परिवर्तन से जो है वो एक अच्छी तेजी का योग बनता है, ओवरऑल जो है चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, बाकी राहु केतु का परिवर्तन भारत के लिए काफी अच्छा है। दोस्तों ये 12 राशि वालों के लिए राहु केतु का परिवर्तन क्या फल देगा उसके लिए जो है हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम राशि के अनुसार बात करेंगे कि पूरे 12 राशि वालों के लिए राहु केतु आपके लिए अच्छा है या बुरा है। दोस्तों कलयुग का जो है राजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है, ज्योतिष में नौ ग्रहों का राजा तो सूर्य है, और सूर्य पहले भी थे अभी भी राजा हैं, लेकिन कलयुग को जो है राहु को भी राजा कहा गया है। रंग से राजा, राजा से रंग बनाने का काम राहु का है, शेयर बाजार में भी एक बड़ा योगदान राहु और केतु का रहता है। तो आपके राशि के लिए राहु केतु क्या फल देंगे वो हम अगले वीडियो में जो है बात करेंगे।
तो दोस्तों अब हमारा ये डिस्क्लेमर है कि यदि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा और मेरा चैनल आपके नफे और नुकसान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेरा प्योर एजुकेशनल बेस्ड चैनल है, जो कि मैं ज्योतिष से ही अपना व्यू देता हूँ, मैं कोई भी टेक्निकल टूल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।